ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1998। ओम शांति दीदी। आज की मुरली की हेडलाइन है, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में समुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे, चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने में। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। देखिए, नव युग नव जीवन और नव वर्ष, इसमें जो बच्चों की स्मृति में रहता है नव वर्ष, लेकिन बाबा हमको और दोनों भी याद दिलाते हैं। और बाबा ने ये कहा कि मैं उमंग उत्साह देख रहा हूँ नव वर्ष पर, हर एक को ये रहता है कि हम कुछ नया करें। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सद अधिकार है। तो बाबा ने कहा तो नए वर्ष में ये विशेषता स्मृति विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझे मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। रूहानी नशा और रूहानी नशे से मिलेगा विजय का तिलक, ये बाबा ने बताया। रूहानी नशा होगा तो सदा विजय, और बाबा ने इस वर्ष को डिक्लेयर करा दिया विजयी वर्ष। बाबा ने कहा कि चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो, हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं, अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। बाबा ने फिर कहा कि बाबा ने कहा हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये रूहानी नशा इमर्ज रखो, और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाता है तो नशा मर्ज हो जाता है, लेकिन बीच बीच में चेक करो और कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ये रूहानी नशा बाबा कहते। बाबा ने कहा बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे, मुक्ति वर्ष मनाया। फिर बाबा ने कहा
कि बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रू रेहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबकी बीती को बिंदु लगा दिया है, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, अमर रहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा, निश्चय और नशे दोनों में अमर, ना तो निश्चय कभी टूटे और ना ही नशा कभी कम हो। जितना निश्चय होगा उतना नशा होगा। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव युग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है, इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बाटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वो राज को नहीं जानता है तो नाराज हो गया। बाबा ने बाबा हमेशा स्व पुरुषार्थ पर अटेंशन, स्वयं को देखने पर ध्यान दिलाते हैं। कहते हैं आप करो, लेकिन अगर दूसरा नहीं करता है तो आप निराश और हताश नहीं हो कि मैंने किया उसने नहीं किया, क्या ये नंबर तुम्हारे नहीं देगा, तुमने किया तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि जब मेरा बाबा ने कहा बाप दादा फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं, जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप को देख खुशी, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना, साथ चलने के लिए तैयार हैं, सभी तैयार हैं, एवर रेडी हैं। अच्छा, एवर रेडी भी हैं, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी हैं। और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। बाबा ने कहा मन में चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना, माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। बाबा हमेशा कहते फ्लाई, फ्लाई, उड़ान भरो, जो चीज आपको प्रिय नहीं लगती है उसको लांग लो। फिर बाबा ने कहा गिफ्ट का स्टॉक है तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना, फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हम देते हैं वो लेते नहीं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तक है तो विश्व परिवर्तन कर सकते हो, और उनके अगर आपको उल्टा बोल बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो।
पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखना। मेरा बाबा जब ये कहते हैं ना क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर वो करने का गुण और लक्षण है, परंतु हम अपने कोई ईगो के कारण से, कोई ईर्ष्या के कारण से, शायद घृणा के कारण से हम वो करना नहीं चाहते हैं। तो बाबा उसको हमको एनकरेज करते हैं, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो, अपनी बात को जीतो। तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज़ होता जाए, और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो। क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है, बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं। तो मास्टर रहम दिल बनो, रहम दिल बनो। और स्लोगन है निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही शक्तिशाली है। आप रहम दिल बन सकते हैं, अगला व्यक्ति कमज़ोर है, उसमें वो पावर नहीं है। तो बाबा शक्तिशालियों को ही कहता है रहम दिल। स्लोगन है निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।